और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तुर्की से सामने आ रही है। सोमवार को आए भूकंप में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया में मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दुनिया के 45 देशों ने तुर्की को मदद करने की पेशकश यहां पर की है। बहुत से देश हैं जो अब तक मदद के लिए आगे आ चुके हैं, जिनमें भारत यहां पर सबसे पहले आगे आया और अपनी तरफ से पूरी मदद यहां पर की गई। गुजरते हर पल के साथ मौत का बढ़ता आंकड़ा सामने आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में मौत से लड़ती ऐसी कई जिंदगियां हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। हिंदुस्तान के जवान इस वक्त भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की में मोर्चा संभाले हुए हैं। एनडीआरएफ की कई टीम मलबों में बची सांसों को सुरक्षित निकालने में युद्ध स्तर में जुटी हुई है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भूकंप इतना बड़ा था कि तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई। युद्ध की जलती विभीषिका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है। भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। लेकिन जिंदगी जब जीने की जिद पर आती है तो 2 साल की हेलेन मौत को मात देकर जिंदा 68 घंटे बाद मलबे के बाहर निकल आती है। बिल्कुल से धड़कती सांसों के साथ सैल्यूट बनता है उस रेस्क्यू कर्मचारी को जिसके शब्द निकले, इस मासूम के लिए मैं मर भी सकता था। यही जज्बा है जो 16,000 मौतों के बीच भी जिंदा है और यही आपदा कर्म है जो कभी इस्तांबुल के हेलन की जान बचा रहा है तो कभी 10 साल के मेहमत को सही सलामत बचा रहा है, कभी उस मां को उम्मीद की आस दे रहा है जिसकी जान भूकंप के अंगार के नीचे दबी पड़ी है। Her an her dakika gözümüz şeyimiz orada, hep oradayız. Oradan gelecek en küçük bir habere koşuyoruz. इस वक्त तुर्की में हजारों सांसें रेस्क्यू के इंतजार में मलबे के घोटन के बीच सिसक रही हैं। हंसता खेलता तुर्की कहर के समंदर में विलीन होता दिख रहा है। तुर्की की तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें इस पीढ़ी ने ना देखी थी ना इसका इनको अंदाजा था। मौत की लहर चली और गोद में हजारों को बैठा कर बह निकली, पीछे छोड़ गई आंसू, दर्द और फरियाद। गेजे गुंडुज अरमा कुर्तारमा यार्दमनी यापियोरुज। Binamızda 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15'i geçkinde ölümümüz var. 7.8 रिक्टर स्केल पर आए भूकंप में कितनी इमारतें गिरी, भूकंप से अब तक कितनी मौतें हुई, कितने जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए, कितनों का हाथ परिवार से हमेशा के लिए छूट गया, कितनों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई, इसका फिलहाल डिटेल किसी के पास जवाब नहीं है। रेस्क्यू कर्मचारी रातों दिन जुटे हैं हर सांस को बचा लेने की अधिक आकांक्षा के साथ। Bizi şey yapması, molozlarımızın çok olması, yeterince fazla aşağıda olan canlılara zarar vermeden çalışmamız oluyor. ढही हुई इमारतों के मलबे से शव निकलते जा रहे हैं, जो जिंदा हैं उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। हजारों सरकारी अधिकारी, रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स, मेडिकल टीम और 3,500 सैनिक लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 45 देशों की ओर से भूकंप में रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद करने की पेशकश की गई है। दुनिया भर से इंसानी मदद की खेप के बीच तुर्की अपने भयावह वर्तमान से लड़ रहा है। उसे मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाली नहीं, हिंदुस्तान वाली। तुर्की के हतेह इलाके में भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद करने में जुटे हैं। भूकंप प्रभावित हतेह में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। भारत से तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्निफर डॉग की टीमों को भी रवाना किया गया। खोजी कुत्तों की मदद से एनडीआरएफ को मलबे में दबे लोगों की तलाश में काफी मदद मिलेगी।
तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए। सो वी वर गिवन द गो अहेड इन द 12:30 मीटिंग हेल्ड अंडर डॉक्टर पीके मिश्रा ऑफ द पीएमओ एंड बट एनडीआरएफ हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर सच डिप्लॉयमेंट्स फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स एक्चुअली बिकॉज we are looking for an international certification and we had two teams partially ready at two locations Ghaziabad 8th battalion and Kolkata 2nd battalion bhukamp mein sabse zyada nuksan dakshini turki ko hua hai kai shaharon mein internet kat gaya hai sadkein toot chuki hain lakhon log beghar ho gaye hain syria ka alam bhi aisa hi hai video syria ke aleppo prant ka hai वीडियो में दिख रहा है कि एक बिल्डिंग के ढहने के कुछ सेकंड बाद ही उससे सटी दूसरी इमारत भी गिर गई। गृह युद्ध की दहकती अग्नि के बीच सीरिया पर भूकंप विनाश के पहाड़ से टूटा है। कैमरे में जो कुछ भी कैद करने लायक था वो आपकी स्क्रीन पर सामने है। भूकंप के प्रचंड आवेग में तुर्की और सीरिया मलबे सा बिखर गए हैं। रेस्क्यू कर्मचारी जितनी संभव हो सके मलबे से जिंदगी चुन रहे हैं। कैसे देखते ही देखते शहर के शहर हो गए तबाह, कैसी इमारतें बिखर गईं लाश के पत्तों की मानिंद, ऐसी कौन सी हलचल हुई जमीन के नीचे, ऐसा कौन सा लावा फूटा जिसकी आग में स्वाहा हो गए हजारों आशियाने, मौत लील गई अब तक 16,000 जाने। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इस सैटेलाइट इमेज को देखना होगा। तस्वीरें देखिए, एक एक कर देखते जाइए क्या से क्या होगा। विनाश जब छाता है तो उसके सामने जिंदगी कितनी विवश, बेबस और लाचार हो जाती है। आशियाने तिनकों से उखड़ जाते हैं और जिंदगी मलबों के सामने मौत के आगोश में समा जाती है। भूकंप कैसा था, धरती पर इसका असर कितना और कैसा हुआ, कैसे भविष्य की धरती तुर्की में भूकंप ने नई स्क्रिप्ट लिख दी है, इसकी डिटेल में जाने से पहले ये सैटेलाइट तस्वीर देख लीजिए। सड़क ने रास्ता बदल लिया है, सेंटीमीटर या इंच में नहीं 1.5 मीटर सड़क खिसक कर अलग हो गई है। भूकंप की स्टडी करने वाली अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की तस्वीर में दोनों भूकंपों से सतह पर कहां कहां दरारें बनी हैं, वो दिख रहा है। इसमें एक मैदान में दो सड़कें दिख रही हैं, जो दो हिस्सों में बढ़ गई हैं, क्योंकि सड़कों के बीच से ही फॉल्ट लाइन जा रही थी। तुर्की जैसा भूकंप सदियों में एक बार आता है और जब भी आता है हजारों को ले जाता है। धरती के नीचे हो रही हलचल का नतीजा है कि एक महाद्वीप दूसरे से अलग है, और भूगोल की भाषा में समझें तो यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण होता है। इस थ्योरी के बारे में आपको डिटेल में बताएं, उससे पहले तुर्की के भूकंप की तीव्रता और असर देख लीजिए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप की वजह से तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई है। असल में भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने या धकेलने या फिर अलग होने से आते हैं। अगर 6.5 से 6.9 या उससे ऊपर का कोई भूकंप आता है तो ये किसी भी टेक्टोनिक प्लेट को 1 मीटर यानी करीब 3 फीट खिसका सकता है। बड़े भूकंप तो प्लेट और उसके ऊपर बसे देशों को 10 से 15 मीटर तक खिसका सकते हैं, यानी 30 से 45 फीट तक। जमीन के इस खिसकाव का असर भविष्य में दिखेगा। अभी तो तुर्की को भूकंप ने कैसे तबाह किया है उसकी डिटेल देख लीजिए। तुर्की के नीचे मौजूद माइक्रो प्लेट्स उल्टी दिशा में घूम रही हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इन छोटी प्लेट्स को अरेबियन प्लेट धकेल रही हैं। घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट से धक्का लगता है तब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इससे भूकंप आते हैं, वो भी 2 बार, पहले अरेबियन प्लेट की टक्कर से, दूसरा यूरेशियन की टक्कर से। यूएसजीएस के मुताबिक तुर्की में दो प्लेटों के बीच आई दरार करीब 300 किलोमीटर लंबी है। कुछ वैज्ञानिक तो इस फॉल्ट लाइन को 500 किलोमीटर लंबी बता रहे हैं, यानी जमीन खिसकी तो है लेकिन एग्जैक्टली कितनी, इसके फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कुदरत ने धरती की तस्वीर बदल दी है। 2011 की जापान सुनामी के बाद ये बताया गया था कि जापान 8 इंच खिसक गया है। यहाँ आपको टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना बहुत जरूरी है। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलाकर बनाते हैं लिथोस्फीयर।
लीथो स्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। भूगोल का ये खेल संहार के वक्त होता है। इस संहार का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, भूकंप के कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन भूकंप आने के पहले सजग होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे समझने के लिए आपको टेक्टोनिक प्लेट्स को और अच्छी तरह जानना जरूरी है। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। तुर्की के भूकंप को रेक्टर स्केल पर मापा जा सकता है, लेकिन उससे उजड़ी जिंदगी की तबाही का कोई पैमाना नहीं, उस दर्द, उस आंसू को मापने का कोई पैमाना नहीं, जिसे जीवन देने वाली कुदरत मौत के तौर पर कभी कभी इंसान को देती है। बेहिसाब दुख और दर्दनाक मौत। रूस यूक्रेन महायुद्ध जो अब भी बदस्तूर जारी है, और इस दौरान व्लादिमीर पुतिन क्या वो करने वाले हैं जिसे रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया? क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? रूस से खबर सामने आई है कि उसके सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है, और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल यह है कि क्या परमाणु हमले का पहला राउंड अब शुरू होने जा रहा है? सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा, आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। यह खौफनाक वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है। खबर है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। क्या पुतिन वो करने वाले हैं जिसे रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है? क्या रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? आखिर अमेरिका की सैटेलाइट रूस के एक वीरान आइलैंड पर क्यों नजर गड़ाए हुए है? अमेरिका की सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीर क्यों ले रहा है? उस आइलैंड के खास इलाके पर ही क्यों अमेरिका की सैटेलाइट के कैमरे जूम मोड में है? जवाब है, रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावा किया गया है कि रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर दिया गया है। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियो ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़ेम्ल्या में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलोवियो का यह दावा अपने आप में बहुत बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा? न्यूक्लियर वार कितने स्टेप में पूरा होगा? इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे उसके मुताबिक
अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो न्यूक्लियर वॉर को तीन स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो रूस बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। सवाल है कि क्या परमाणु हमले का पहला राउंड परमाणु परीक्षण कर पूरा करने वाले हैं पुतिन? क्या इसी काम को अंजाम पर पहुंचाने के लिए रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट को सक्रिय किया गया है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। ऐसे में नोआया ज़मलया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियो का दावा बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। क्या व्याचेस्लाव सोलोवियो का दावा अटैक से पहले वाले न्यूक्लियर टेस्ट का संकेत है? क्योंकि नोआया ज़मलया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण यहीं किया था। नोआया ज़मलया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोआया ज़मलया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोआया ज़मलया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मरतबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम सार बम का विस्फोट किया था। अब दावा किया गया है कि रूस की उस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि अमेरिका की सैटेलाइट अंतरिक्ष से नोआया ज़मलया के चप्पे चप्पे की खाक छान रही है, क्योंकि नई रिसर्च के मुताबिक रूस अगर परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता है तो तीन चरण में बढ़ेगा। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप वन परमाणु परीक्षण। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है, वो काम है परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। दुनिया में अब तक 2,059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1,030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। 715 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणु परीक्षण करने वाला देश है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस के नोआया ज़मलया परमाणु परीक्षण स्थल को सक्रिय किया गया है। अगर रूस का ये दांव काम का ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद्ध ही ठाना, तो फिर पुतिन परमाणु युद्ध के आखिरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप थ्री परमाणु बम से हमला। रूस का परमाणु बम यूक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, यहां तक कि सूरज की किरणें भी धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही,
परमाणु हमले की आंच नेटो देशों तक भी पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। सवाल है, क्या उस तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर रूस की न्यूक्लियर साइट बनने वाला है, जहां रूस किसी भी वक्त नया परमाणु परीक्षण कर सकता है। यूक्रेन के पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है, या तो रूस के सामने सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, या फिर नेटो के साथ मिलकर रूस में घुसकर सीधा जोरदार हमला करे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रूस पर इस तरह से हमला करने की हिम्मत यूक्रेन या फिर नेटो के पास है या फिर नहीं है। क्या वाकई ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन का मरते दम तक साथ देंगे। क्या रूस यूक्रेन जंग के 350 दिन बाद अब लंदन से लेकर पेरिस तक तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जंग में यूक्रेन के लिए त्रिदेव साबित होंगे? And we'll never surrender. क्या पुतिन को राष्ट्रपति जेलेंस्की का खुला चैलेंज देना परमाणु जंग करा सकता है? यूक्रेन का पूर्वी इलाका पुतिन की फौज के निशाने पर है। 11 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो से जुड़े 30 देश हांफने लगे हैं। शुरू में लग रहा था कि पर्दे के पीछे से यूक्रेन को हथियार देकर नेटो पुतिन को हरा सकता है, लेकिन जब पुतिन की फौज ने पूर्वी यूक्रेन के बखरों, डॉनबास, डोनेस, खेरसोन, खारकीव, सोमे में भयानक हमले किए, तो यूक्रेन के होश उड़ गए। जेलेंस्की पिछले 2 हफ्तों से चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान, 500 एडवांस टैंक, लंबी दूरी के 1000 तोपें मांग रहे हैं, ताकि हारते यूक्रेन को रूस के कब्जे से बचाया जा सके। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने 11 महीने से ज्यादा के युद्ध में दूसरी बार यूक्रेन से उड़ान भरी और सीधे ब्रिटेन पहुंच गए। पर्चे पर लिखी ब्रिटेन और नेटो की स्क्रिप्ट को जेलेंस्की ने ऐसे पढ़ा जैसे मानो हारते रूस की कुंडली देख रहे हो। जेलेंस्की ने साफ कहा कि रूस हर हाल में जंग हारेगा। We know Russia will lose. And we really know the victory will change the world, and this will be a change that the world has long needed. रूस यूक्रेन जंग को जेलेंस्की अब पूरे यूरोप की जंग बता रहे हैं, यानी जेलेंस्की जंग के मैदान से लेकर युद्ध के कूटनीतिक मोर्चे तक यही साबित करने पर तुले हैं कि अगर यूक्रेन हारा तो यूरोप की हार होगी, अगर यूक्रेन हारा तो पुतिन का अगला टारगेट पूर्वी यूरोप जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अब यूक्रेन की मदद में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वो अब पीछे नहीं हट सकते। यही वजह है कि जेलेंस्की के जंगी दौरे पर हर किसी की निगाह जमी हुई है। युद्ध के दौरान पहली बार ब्रिटेन यात्रा पर पहुंचे जेलेंस्की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बैठे। जेलेंस्की ने मांगे ब्रिटेन से और ज्यादा हथियार। ब्रिटेन के बाद जेलेंस्की फ्रांस पहुंचे। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई। पेरिस में ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट से मुलाकात के वक्त जेलेंस्की ने यूक्रेन को ज्यादा घातक हथियार और हैवी आर्म डिलीवरी करने की गुजारिश की। पायलटों के लिए लड़ाकू विमान और ट्रेनिंग देने की मांग की है। जेलेंस्की का चेहरा देखकर साफ लग रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस के खौफनाक हमलों ने उन्हें बुरी तरह से परेशान कर दिया है। Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et...
जोखिम अमेरिका और नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और नेटो में शामिल 30 देश जंग को भयानक और विनाशकारी बनाने पर तुले। रूस तो यहां втягивает страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации. यूक्रेन इस वक्त जंग के मैदान में 1000 किलोमीटर की सीमा पर रूस से जंग कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर दिशा में बेलारूस भी रूस का जमकर साथ दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन दो चक्कों के बीच फंस गया। अब ऐसे हालात में रूस से युद्ध करने के लिए यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार चाहिए। यूक्रेन ने 300 मिसाइल लॉन्चर भी मांगे हैं। अभी यूक्रेन को 321 टैंक नेटो और पश्चिमी देशों की तरफ से देने का वादा किया गया है, जिसमें अमेरिका के 31 M1 एब्रम्स टैंक भी होंगे। जर्मनी के 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंचेंगे, जबकि ब्रिटेन से 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ज़ेलेंस्की को crafts for Ukraine, wings for freedom. रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर सबसे तीखे हमले कर रहा है। यूक्रेन के बखमूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेस्क, खेरसोन, खार्की, सुमय, मिकोलाय, शर्नी, ज़ापोरोजिया, नेप्रोपेट्रोव्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट में भयानक खून खराबा हो रहा है। सोमवार को तुर्की में आए News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।